हेलो दोस्तों, एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है डिटरमिनेंट्स। इसके अलावा आपके फर्स्ट ईयर में मैथमेटिक्स के सिलेबस में जितने भी चैप्टर्स हैं उन सभी चैप्टर्स की वीडियोस बनाई जा चुकी हैं। आप सभी को उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। और साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक भी होगा, उसे ज़रूर ज्वाइन करें और आपके जो भी डाउट्स आते हैं वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपने डाउट की पिक सेंड कर दीजिए और आपका डाउट सॉल्व हो जाएगा। बात करते हैं हमारे इस चैप्टर की डिटरमिनेंट्स की। तो डिटरमिनेंट्स की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आपको एक मैट्रिक्स दे रखी है, ए नाम की मैट्रिक्स। बिल्कुल शुरुआत से हम स्टार्ट करेंगे इसे। ये है 2, 3, 4 और ये मान लीजिए 9 या -9 मान लेते हैं। ये एक मैट्रिक्स है और ये इस मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हैं। तो इसमें कितने एलिमेंट्स हैं? 1, 2, 3, 4, चार एलिमेंट्स हैं इसके। अगर हम बात करें रोज और कॉलम्स की, ऐसे में देखिए रोज होती हैं, तो ये आपकी फर्स्ट रो है, तो ये हो गई रो 1। इसको मैं रो 1 लिख रहा हूं। और ये सेकंड रो है आपकी, तो रो नंबर 2। ये आपका कॉलम हो गया 1। ऐसे में कॉलम्स होते हैं, ये कॉलम है, ये एक कॉलम और ये C2 मतलब सेकंड कॉलम। तो इस मैट्रिक्स में आप देख पा रहे होंगे फर्स्ट रो सेकंड रो दो रोज हैं और कॉलम्स कितने हैं? 2, एक और ये 2। तो इस मैट्रिक्स को कहा जाता है 2x2 की मैट्रिक्स, दो रोज और 2 कॉलम्स। और इसके रोज और कॉलम्स देखिए मैच कर रहे हैं। इसमें अगर रोज 2 है तो कॉलम्स भी 2 ही हैं। जिसके रोज और कॉलम्स इक्वल होते हैं उसे हम स्क्वायर मैट्रिक्स कहते हैं। तो ये कैसी मैट्रिक्स है? स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब आप कहेंगे चैप्टर तो डिटरमिनेंट्स है तो मैट्रिक्स की बात क्यों हो रही है? देखिए, क्योंकि डिटरमिनेंट स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकाला जा सकता है। जो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसका डिटरमिनेंट हम नहीं निकाल सकते। तो ये मैट्रिक्स 2x2 की हो गई। इसका जो डिटरमिनेंट होगा उसको ऐसे लिखेंगे, ये A और इसका मतलब A का डिटरमिनेंट, ठीक है? और A का डिटरमिनेंट यहां पे कैसे लिखेंगे? ये A था, A नाम की मैट्रिक्स, ये इसके एलिमेंट्स। अब A का डिटरमिनेंट, ये डिटरमिनेंट का निशान है, तो A का डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा? अब ये जो ब्रैकेट आपको ऐसे दिख रही है यहां पे मुड़ी हुई, इसमें आप ऐसे सीधी लाइन लगाएंगे, इसका मतलब होता है डिटरमिनेंट। A का डिटरमिनेंट है 2, 3, 4, -9। ये A का डिटरमिनेंट हो गया। अब इसकी एक वैल्यू होगी, वो कैसे निकलेगी? ये भी डिटरमिनेंट ऑफ A ही है, लेकिन इसको ऐसे ना रखकर हम इसको थोड़ा चेंज करेंगे और एक सिंपल सा आंसर निकाल लेंगे। ये भी डिटरमिनेंट ऑफ A ही है, लेकिन इसको आप चेंज कैसे करेंगे? देखिए, आपको क्या करना है, ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। तो पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें। ये जरूरी नहीं है कि आप पहले 2 को 9 से मल्टीप्लाई कर लें, आप चाहे तो पहले 4 को 3 से मल्टीप्लाई कर लें। बस ये ध्यान रखना है ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करना है और नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। बात ये ध्यान रखनी है कि जब भी आप ऊपर वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 और -9 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर कितना आएगा? 2 9 18 और ये माइनस वैसे का वैसे। जब भी आप ऊपर वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करें तो सिंपली मल्टीप्लाई करके इसको लिख दें, लेकिन जब भी आप नीचे वाले से ऊपर वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 3 12, इसका निशान आपको बदलना है। यानी कि 12 था तो ये आंसर क्या जाएगा? -12 हो जाएगा। अगर आंसर -12 आता तो वो +12 हो जाता, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जब भी हम ऊपर वाले से नीचे वाले को मल्टीप्लाई करेंगे
तो उसका साइन चेंज नहीं कर रहा है, करना है, जो साइन आ रहा है वही रखना है। अब देखते हैं इसका छोटा सा क्या आंसर बनता है। तो पहले आप किसी को भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, बस साइन का ध्यान रखना है। तो 2 को 9 से मल्टी और 2 को माइनस 9 से मल्टीप्लाई करेंगे और इसका निशान वही रहेगा जो था। 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और जब हम 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा क्या, आगे निशान माइनस लगा देना। माइनस क्यों लगा देना है, क्योंकि जो भी आंसर आएगा ये माइनस उसको उल्टा कर देगा। अगर आंसर प्लस में आएगा तो ये माइनस उसे माइनस कर देगा, और अगर इनको मल्टीप्लाई करके माइनस में आएगा तो ये माइनस उन्हें प्लस कर देगा, इसीलिए ये माइनस मैंने लगाया है। ठीक है, तो इसका आंसर बन जाएगा, देखिए 2 9 18 और ये माइनस, 4 3 12 और ये माइनस एज इट इज। दोनों वैल्यूज के सामने माइनस लगा हुआ है तो दोनों वैल्यूज को प्लस कर लेंगे, ये बन जाएगा आपका 30 और निशान बड़ी वाली वैल्यू जो है उसके सामने वाला, तो इसका आंसर आ गया -30। तो इस तरह से आपने इसका डिटरमिनेंट निकाल लिया। अब हमारी जो मैट्रिक्स थी वो 2x2 की मैट्रिक्स थी, और इसे आप कहेंगे जो डिटरमिनेंट आपने निकाला है वो निकाला है ऑफ ऑर्डर, तो ये डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर 2। तो ये जो हमने डिटरमिनेंट निकाला है वो किस ऑर्डर का निकाला है, 2x2 यानी कि 2 का निकाला है। और 2 एक ही बार क्यों लिख रहे हैं हम, क्योंकि हमें पता है कि डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का ही निकल सकता है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब उसकी रोज और कॉलम्स इक्वल होंगी। अगर रोज 2 है तो कॉलम्स भी 2 ही होंगी, इसीलिए डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 की बात की जा रही है। चलिए अब बात करते हैं डिटरमिनेंट ऑफ ऑर्डर 3। अब 3 पे आते हैं, तो फिर से एक मैट्रिक्स लेके चलते हैं, ए नाम की मैट्रिक्स है, थ्री वन कुछ भी मान लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं ऑर्डर 3 क्या है। ये एक मैट्रिक्स है और इस मैट्रिक्स को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें रोज कितनी हो गई है, फर्स्ट रो, रो 1, ये सेकेंड रो, रो 2 और ये थर्ड रो, रो नंबर 3। ये आपका फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड कॉलम और ये थर्ड कॉलम। ठीक है, इसके बाद इस मैट्रिक्स को अगर हम बात करें तो ये कितने बाय कितने की मैट्रिक्स है, रोज कितने हो गए इसमें, 3। तो 3 कॉलम्स कितने हो गए, 3, 3x3 की ये मैट्रिक्स है। और एक बात ध्यान रखिए, इस मैट्रिक्स में टोटल एलिमेंट्स कौन से हैं, 1 2 3 4 ये सारे एलिमेंट्स हैं। तो टोटल एलिमेंट्स कितने हैं इसमें, 3 × 3 9 एलिमेंट्स। कितने एलिमेंट्स होंगे, 9 एलिमेंट्स होंगे। इससे पहले वाली जो हमारी मैट्रिक्स थी वो 2x2 की थी, तो 2x2 उसमें कितने एलिमेंट्स थे, 4 एलिमेंट्स थे। तो इसमें 9 एलिमेंट्स हैं हमारे पास। और बात करते हैं इसके डिटरमिनेंट की, डिटरमिनेंट की आप ऐसे लगाएंगे इसे, 3 1 5 0 2 3 1 -2 4। अब इसे सॉल्व कर लेंगे और एक का डिटरमिनेंट आ जाएगा, और जो आंसर आएगा या जो ये डिटरमिनेंट है इसे हम कहेंगे ये डिटरमिनेंट कैसा है, ऑफ ऑर्डर 3। तो ये डिटरमिनेंट किसका है, ऑफ ऑर्डर 3। और इसमें कितने एलिमेंट्स होंगे ऑफ ऑर्डर 3, तो इसका ऑर्डर कितना है, 3 है। अच्छा, ये भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसमें भी आप देखेंगे रोज भी 3 और कॉलम्स भी 3, तो ये भी कैसी मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है।
क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स होगी तभी तो उसका डिटरमिनेंट निकल पाएगा, नहीं तो उसका डिटरमिनेंट नहीं निकाल सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। तो ये डिटरमिनेंट है ऑफ ऑर्डर थ्री, एन मतलब इसका ऑर्डर मैं लिख रहा हूं। और इसके कितने एलिमेंट्स हैं इस डिटरमिनेंट में आप देख सकते हैं, एन स्क्वायर। तो इसमें एलिमेंट्स कितने होंगे, एन स्क्वायर, यानी कि एन कितना इसका थ्री है। थ्री पता लग गया ना कहां से आया, ये थ्री। बात वही आएगी, नाइन ही आएंगे। थ्री मल्टीप्लाई थ्री कर लीजिए या थ्री का स्क्वायर कर लीजिए, आना तो नाइन ही है। तो ये हमने बात की ऑफ ऑर्डर थ्री। अब इसमें इसका डिटरमिनेंट आप सॉल्व कैसे करेंगे, उसका थोड़ा अलग तरीका है। जो हमने इससे पहले टू बाय टू का निकाला वो तो आसानी से हो गया था, पर इसमें मल्टीप्लाई किसको करें, हम ऐसे करें या ऐसे करें, ये थोड़ा सा अलग तरीके से किया जाएगा, वो भी हम अभी डिस्कस करेंगे। इसमें एक और टॉपिक की बात कर लेते हैं, लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल। ये क्या है, ये जो एलिमेंट है देखिए ऐसे में देखना है आपको, थ्री टू फोर। तो थ्री टू फोर जो है ये एलिमेंट्स आपके लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल के होते हैं। तो इस थ्री बाय थ्री मैट्रिक्स के डिटरमिनेंट्स निकालने के लिए सबसे पहले हम माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात करेंगे। तो लीडिंग डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल आपको ऐसे देखनी है, इसके जो भी एलिमेंट्स होंगे वो आप लिख सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में ना। अब हम क्या करने वाले हैं, अब माइनर्स और कोफैक्टर्स की बात करेंगे पहले, उसके बाद हम आएंगे कि इसका डिटरमिनेंट कैसे निकाला जा सकता है, लैपलेस एक्सपेंशन की बात करेंगे। यहां कितना था, फाइव मान लेते हैं। अब मैं इसके माइनर्स निकालने, देखिए इस डिटरमिनेंट के माइनर्स की बात करेंगे पहले, माइनर्स कोफैक्टर्स, उसके बाद हम बाकी चीजों की बात करेंगे कि इसका डिटरमिनेंट निकलेगा कैसे, माइनर्स कैसे निकलेंगे और माइनर्स क्या है। एम फोर माइनर मुझे निकालना है, एम वन वन। अब एम वन वन क्या है, वन का मतलब फर्स्ट रो और इस वन का मतलब फर्स्ट कॉलम, तो रो भी पहली और कॉलम भी पहला। तो फर्स्ट रो यहां मैं लिख देता हूं, ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो और ये थर्ड रो, ये कॉलम फर्स्ट सेकेंड और ये थर्ड। माइनर्स कैसे निकलेंगे, हर एक एलिमेंट के माइनर होंगे। इसमें टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, नाइन है, तो हर एक एलिमेंट के माइनर होंगे इसमें। इसका भी एक माइनर होगा, इसका भी एक माइनर होगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी, इसका भी। तो डिटरमिनेंट के हर एक एलिमेंट का माइनर होता है, वो कैसे निकलेगा। पहले मैं निकाल रहा हूं थ्री का, थ्री यानी कि इसका रो भी फर्स्ट है और कॉलम भी फर्स्ट है, फर्स्ट रो में आ रहा है ये और इसका कॉलम भी क्या है, फर्स्ट है। अब इसका माइनर कैसे निकलेगा, तो आपको करना क्या है, थ्री के रोज को छुपा लीजिए और थ्री के कॉलम्स को छुपा लीजिए, तो आपको क्या नजर आ रहा होगा, ये टू थ्री माइनस टू और फोर, यही नजर आ रहा है ना। तो आप थ्री के माइनर्स निकाल रहे हैं, तो आपको करना क्या है, थ्री के रोज और कॉलम्स को छुपा लेना है। या इसको मैं एक काम करता हूं, यहां साइड में पहले लिख देता हूं, थ्री वन फाइव जीरो टू थ्री वन टू फोर। तो आपको करना क्या है, जब माइनस निकाल रहे हैं तो थ्री के रोज और कॉलम्स वालों को भूल जाइए, थ्री के रोज वाले मैंने मिटा दिए और थ्री के कॉलम्स वाले भी मैंने मिटा दिए। तो क्या दिख रहा है आपको, टू थ्री माइनस टू और फोर का डिटरमिनेंट, यानी कि टू थ्री माइनस टू और फोर, इसका जो डिटरमिनेंट होगा इतने से का, वही क्या है, माइनर है, किसका, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम वाले एलिमेंट का, यानी कि थ्री का। इसे आप सॉल्व कर लेंगे आसानी से,
पहले ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब आप ऊपर वाले को नीचे वाले से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज नहीं करना हमें। अब नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस टू को थ्री से मल्टीप्लाई करेंगे। यहां साइन चेंज करने के लिए मैंने इसके सामने माइनस लगा दिया। एट टू थ्री जा सिक्स, और ये भी माइनस, इस माइनस माइनस को प्लस कर देते हैं तो ये आ गया 14। ठीक है, तो आपका माइनर आ गया 11, यानी कि जो यहां पे आपका एलिमेंट था 315, तो 3 का माइनर आपके पास आ चुका है 14। अब बात करेंगे कोफैक्टर, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे। अब हमें 3 के कोफैक्टर्स निकालने हैं, तो माइनर्स के बाद हम बात करेंगे कोफैक्टर्स की। अब मुझे कोफैक्टर निकालना है किसका, इस एलिमेंट का 3 का। अभी मैंने इस 3 का माइनर निकाला है, अब इसके कोफैक्टर की बात करते हैं। तो इसका कोफैक्टर कैसे आएगा, इसका माइनर था 14, 14 को आप माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दें, और साथ में इसकी पावर m11 है ना, तो 1 प्लस 1 कर दीजिए इसकी पावर में, 1 प्लस 1, तो माइनस 1 की पावर हो जाएगा 1 प्लस 1 2। और माइनस की पावर जब भी ओड नंबर इवन नंबर होता है 2 4 6 8 10, तो माइनस गायब, और 1 की पावर कुछ भी रहेगा 1 ही हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका 14। तो इसका कोफैक्टर भी कितना हो गया, 14 हो जाएगा। मैं यहां कोमा डाल के इसका कोफैक्टर लिख देता हूं। ये हो गया M11 एलिमेंट का माइनर, और ये इसका कोफैक्टर। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे, माइनर निकालेंगे M12 का, सबका मैं नहीं निकालूंगा, 3 का निकालेंगे सिर्फ, ताकि मैं आपको डिटरमिनेंट समझा सकूं। तो यहां पे M12 फर्स्ट रो, 1 का मतलब फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो रो फर्स्ट और कॉलम सेकंड, यानी कि हमें इस 1 का माइनर निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, 1 के रोज को छुपा लीजिए, 1 का रो छुपाएंगे अगर आप, तो 1 की रो छुपा लें ऐसे, और 1 का कॉलम छुपा लें, तो 1 का कॉलम छुपा लेंगे और 1 का रो छुपा लेंगे आप। तो 1 का रो छुपाया हमने और 1 का कॉलम छुपाया, तो क्या नजर आ रहा होगा आपको, 0 3 1 और 4। तो 0 3 1 और 4, इस तरह से। अब इसका डिटरमिनेंट निकाल लीजिए, इसे इस मल्टीप्लाई करना और इसको इससे, 0 को 4 से करेंगे मल्टीप्लाई, और इसका साइन चेंज नहीं करना है, इसलिए इसके सामने माइनस निकालेंगे। अब हम ऊपर वाले को नीचे वाले को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो साइन चेंज करना है, इसलिए मैं माइनस लगा देता हूं। 0 मल्टीप्लाई 4 0 1 मल्टीप्लाई 3 3, और 0 माइनस 3 कितना हो जाएगा, 0 तो लिखना ही नहीं है, -3 हो जाएगा। ये आ गया M12 का माइनर। अब बात कर लेते हैं इसके कोफैक्टर की। इसका कोफैक्टर कैसे निकलेगा, तो -3 ऐसे का ऐसे, इसके साथ -1, हम इस एलिमेंट का 1 का कोफैक्टर निकाल रहे हैं, तो 1 की रो कितनी है, 1 फर्स्ट, और कॉलम कौन सा है इसका, सेकंड। M12 है, तो 1 प्लस 2 कर दीजिए यहां पे, -1 की पावर 1 प्लस 2, यानी कि 3। माइनस की पावर जब भी ओड नंबर होगा 1 3 5 7 9 11, तो माइनस रहेगा, और 1 की पावर कुछ भी रहे वही रहता है, वो माइनस मल्टीप्लाई माइनस वो तो प्लस बन जाएगा, और 1 मल्टीप्लाई 3 3, तो इसका कोफैक्टर आ गया है 3। एक और, इस रो में 3 का हमने माइनर निकाल लिया है, 1 का भी निकाला अभी हमने, अब 5 का भी निकाल लेते हैं। एक रो का मैं आपको निकालना सिखा देता हूं,
अब निकालेंगे हम किसका माइनर, 5 का, 5 का, यानी कि रो इसकी फर्स्ट है और कॉलम थर्ड है, तो माइनर ऑफ 5, 5 यानी कि फर्स्ट रो, 5 का रो कौन सा है, पहला रो है और कॉलम कौन सा है, तीसरा, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, तो इसका रो छुपा लीजिए और इसका कॉलम छुपा लीजिए, कितना नजर आ रहा है, 0, 2, 1 और -2, तो 0, 2, 1 और -2, पहले 0 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1 को 2 से करेंगे, और इस वाले के सामने माइनस डालेंगे क्योंकि ये नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई हो रहा है, 0 मल्टीप्लाई -2 0, 1 मल्टीप्लाई 2 2, ये माइनस, तो इसका माइनर आ गया हमारे पास -2। अब इसका कोफैक्टर कहां निकालें, यहां लिख देते हैं इसका कोफैक्टर, -2 और -1 की पावर 1+3, 1+3, तो -1 की पावर 1+3 यानी कि 4 और ये -2, माइनस की पावर जब भी 2, 4, 6, 8 इवन नंबर होते तो माइनस गायब, 1 की पावर कुछ भी रहे 1 ही रहेगा, 1 2 जा 2 और ये माइनस है, तो इसका कोफैक्टर कितना आ गया, -2 आ गया। तो इस तरह से हमने जो फर्स्ट रो था इसमें 3 एलिमेंट हैं, 3, 1, 5, 3 का माइनर और ये इसका कोफैक्टर, 1 का माइनर और ये इसका कोफैक्टर, 5 का माइनर और ये इसका कोफैक्टर, ये निकाल लिया मैंने। ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, किसी का भी आप निकाल सकते हैं ना, 0 का 2 का 3 का 1 का -2 का 4 का, इसी तरीके से आपको निकालना है। अब क्या करेंगे हम, हमें तो डिटरमिनेंट निकालना था, हम कहां माइनर और कोफैक्टर्स के चक्कर में पड़ गए। देखिए डिटरमिनेंट निकालने के लिए आपको माइनर्स और कोफैक्टर्स निकालने होंगे, ठीक है, तो निकाल लिए। अब इससे डिटरमिनेंट कैसे निकलेगा, अब इससे डिटरमिनेंट यहां निकालते हैं, इसका डिटरमिनेंट कैसे निकालेंगे, ये 3, हम डिटरमिनेंट निकालने के लिए याद रखिए चाहे फर्स्ट रो से निकालें, चाहे सेकंड रो से निकालें, चाहे थर्ड रो से निकालें, चाहे फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, किसी से भी निकाल सकते हैं, देखते हैं कैसे। आपको करना बस ये होगा, आपके पास जो ये माइनर्स आए हैं, इन माइनर्स को इसके सॉरी माइनर्स नहीं कोफैक्टर्स को, तो कोफैक्टर भी इसका 14 ही, कोफैक्टर्स को इसके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दीजिए, M11 यानी कि फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम वाला 3 एलिमेंट था, इस 3 को इसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब नेक्स्ट रो में एलिमेंट है 1, तो 1 को आपको मल्टीप्लाई करना है इसके कोफैक्टर से, तो 1 आपका सेकंड रो और सेकंड कॉलम में आ रहा है, तो इसका कोफैक्टर है 3, 5 प्लस डालते रहिए बस, 5 वाले एलिमेंट का यानी कि फर्स्ट और थर्ड कॉलम वाले का कोफैक्टर था -2, तो 14 × 3 = 52 + 3 - 10, तो आपका आंसर आ जाएगा 45, तो ये आपका डिटरमिनेंट आ गया। तो हमने डिटरमिनेंट कैसे निकाला, हमने जो भी ये कोफैक्टर्स थे उन कोफैक्टर्स को उनके एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दिया, और फर्स्ट रो के कोफैक्टर्स ही हमने क्यों निकाले थे, हम चाहते तो सेकंड रो के कोफैक्टर्स निकालते, फिर सेकंड रो में जो एलिमेंट्स थे उनसे मल्टीप्लाई करते और प्लस कर देते, तब भी आंसर यही आता। आप थर्ड रो से निकालते इसका डिटरमिनेंट, यानी कि थर्ड रो के पहले कोफैक्टर्स निकाल लेते और फिर उनके एलिमेंट्स इनको मल्टीप्लाई करते, तब भी वही डिटरमिनेंट आता। आप चाहते तो फर्स्ट कॉलम के कोफैक्टर्स निकाल लेते, फिर
उन कोफैक्टर्स को उनके एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते और प्लस करते तब भी आता। यानी कि किसी भी रो या किसी भी कॉलम्स के पहले आप कोफैक्टर्स निकाल लें, फिर उनके एलिमेंट्स से उनको मल्टीप्लाई कर दें, तो आपके पास क्या आ जाता है? डिटरमिनेंट आ जाता है। ठीक है, अभी हम बात कर रहे थे डिटरमिनेंट जब हम निकाल रहे हैं ऐसी मैट्रिक्स, ऐसे मैट्रिक्स का जो 3x3 की है, ठीक है, और इसी को लैपलेस एक्सपेंशन कहा जाता है। कि लैपलेस एक्सपेंशन ये है कि आप पहले किसी भी रो या किसी भी कॉलम के कोफैक्टर्स निकाल लें और फिर उनको उनके एलिमेंट्स से मल्टीप्लाई कर दें और उनका सम कर दें, लास्ट में उनको जोड़कर लिख दें, और उससे आपको इसका डिटरमिनेंट मिल जाता है। तो इसे कहते हैं लैपलेस एक्सपेंशन। इसके अलावा देखिए आपके पास एक और तरीका है, अगर हमारे पास ऑर्डर 3 वाला डिटरमिनेंट निकालना हो तो एक और तरीका हमारे पास है, सेरेस मेथड। आपको अगर थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालना है तो एक और तरीका हमारे पास है, सेरेस मेथड। याद रखिए सिर्फ थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट निकालने के लिए काम आता है। तो इसमें आप कैसे डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं थर्ड ऑर्डर का, पहले इनको लिख लीजिए 3, 5, -2, 2, 1, 6, -4, -1, 7, ये लिख लिए एज इट इज। इन दो को रिपीट कर दीजिए फिर से, तो 3, 5, -2 फर्स्ट कॉलम मैंने फिर से रिपीट कर दिया, और सेकंड कॉलम भी रिपीट कर दीजिए एक बार, 2, 1, 6 प्लस, यहां पर ही प्लस, यहां प्लस, यहां माइनस, यहां माइनस और यहां माइनस डाल दीजिए। अब करना क्या आपको, ऐसे मल्टीप्लाई करना है, इसको इससे करना है मल्टीप्लाई और इसको इससे करना है, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे, इसको इससे मल्टीप्लाई करना और इसको इससे करना। तो 3 को 1 से और फिर 7 से, तो ये मैं लिख लेता हूं यहां पे, 3 को 1 से और फिर 7 से, ये सारे प्लस में रहेंगे, इसे इनके सामने या तो प्लस डाल दीजिए या नहीं डालेंगे तो भी प्लस रहते हैं इसका मतलब। अब ऐसे ये भी प्लस वाले हैं, तो क्योंकि हम नीचे की तरफ आ रहे हैं तो नीचे की तरफ आते हैं तो प्लस रहता है ना, तो 2 को -1 से और फिर -2 से, फिर बीच में प्लस डाल दीजिए। अब ये वाला माइनस का 4, 5 और 6, ये हो गए प्लस वाले, प्लस वाले अब खत्म हो गए। अब माइनस वालों की बात करते हैं, क्योंकि माइनस वालों का मतलब अब हमें नीचे से ऊपर की तरफ जाना होगा मल्टीप्लाई करने के लिए, अभी तक हम ऊपर से नीचे आ रहे थे, अब वो कैसे होगा, वो ऐसे होगा, तो पहले आप क्या करेंगे माइनस टू को 1 से फिर 4 माइनस 4 से, तो माइनस 2 को 1 से और फिर माइनस 4 से, और ये सारे माइनस वाले हैं इसलिए इनके सामने माइनस डाल। अब इसकी बारी 6 को माइनस 1 से और फिर 3 से, और इसके सामने क्या डालना है माइनस। 7 को 5 से और फिर 2 से, और इसके सामने क्या डालना है माइनस। इसे सॉल्व कर लेंगे और आपके पास इसका डिटरमिनेंट आ जाएगा। चलिए फटाफट सॉल्व करते हैं, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21 प्लस, ये दोनों माइनस हैं तो माइनस माइनस एक तरह से कट जाएंगे मल्टीप्लाई में, 2 1 जा 2 फिर वो 2 को इस 2 से करेंगे मल्टीप्लाई 4, ये प्लस और ये माइनस, माइनस बन जाएगा, 4 5 जा 20, 20 को 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे 120,
तीन माइनस है तो दो माइनस तो कट जाएंगे, चाहे आप इन दोनों को काट लीजिए चाहे इन दोनों को काट लीजिए, एक माइनस बचेगा उसको मैं यहां लगा देता हूं। टू मल्टीप्लाई वन टू, उस टू को फोर से मल्टीप्लाई करेंगे एट, ये माइनस और माइनस कट जाएंगे तो कोई निशान नहीं, मतलब प्लस डालेंगे। फिर सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स थ्री जा एटीन, तो सिक्स को वन से मल्टीप्लाई किया सिक्स आया, उस सिक्स को थ्री से किया एटीन, माइनस सेवन फाइव थर्टी फाइव, थर्टी फाइव इंटू टू सेवन। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, आगे देखिए ट्वेंटी वन प्लस फोर ट्वेंटी फाइव बन जाएगा, ये दोनों के सामने माइनस है, वन ट्वेंटी के सामने भी और एट के सामने भी, तो दोनों को प्लस करेंगे और निशान इन दोनों में से जो बड़ा है, वन ट्वेंटी बड़ा है, उसके सामने निशान आएगा माइनस वन, दोनों माइनस के थे इसलिए प्लस कर दिया गया, और इन दोनों में जो बड़ा है ये, इसके सामने जो निशान होता है वो आंसर में डाल दिया। उसके बाद प्लस का 18 और माइनस का 17 को भी सॉल्व कर लेते हैं, एक वैल्यू के सामने प्लस और एक वैल्यू के सामने माइनस, तो माइनस करेंगे और निशान बड़ी वाली वैल्यू के सामने वाला, ये हो जाएगा। एक मिनट में ब्राइटनेस वगैरह चेक कर लूं, अब ठीक है ब्राइटनेस, तो यहां तक पहुंच गया हम। उसके बाद क्या करेंगे, 25 एज इट इज रहने दीजिए पहले, ये दोनों माइनस वाले हैं तो पहले इनको हम प्लस कर लेते हैं, इनको जब आप प्लस करते हैं तो आंसर आता है आपके पास 180। अब ये 25 प्लस का है और ये माइनस का है, दोनों को क्या करेंगे माइनस, क्योंकि एक वैल्यू प्लस की और एक वैल्यू माइनस की, तो इसे माइनस कर दिया जाएगा, 180 माइनस 25 155, और इन दोनों में से बड़ा है 180, तो इसके सामने का निशान आंसर में आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप डिटरमिनेंट निकाल सकते हैं, लेकिन ये याद रखिए मेथड सिर्फ थर्ड ऑर्डर के लिए काम करता है। तो इस पार्ट में इतना ही, और आगे के जो पार्ट्स होंगे उनमें हम अब इस चैप्टर के जो भी क्वेश्चंस वगैरह हैं उन्हें सॉल्व करेंगे।